या अल्लाह, माह रमज़ान का मुबारक महीना है और ऊपर से लॉकडाउन भी है। कैसे होगा मेरे मौला, इफ्तार का टाइम भी होने जा रहा है और कुछ इफ्तार का कुछ जुगाड़ वगैरह तो नहीं है। अगर जो कुछ काम मिल जाता तो हम दोनों भाई मिलके इफ्तार की जुगाड़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता। घर तक पहुंचा दोगे? जी इंशाल्लाह पहुंचा देंगे भाई साहब। मजदूरी बताइए आप कितना? बस आप समझे, आप मुनासिब जितना आप कहा सके। ठीक है भाई साहब, देख लेंगे, थोड़ा पहुंचा दीजिए, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। जी जी जी। ये भी रख दो भाई साहब, मेरा घर पे यहाँ पे आ गया है। ये लीजिए आपका मजदूरी भाई साहब। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया भाई साहब। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है भाई साहब। ये तरबूज कितने की है? 40 रुपए की भाई साहब। भाई साहब मेरे पास तो उतना नहीं है। अच्छा, 20 की कर दीजिए। 20 रुपए? अच्छा ठीक है, पैक कर दीजिए। छोटे आज इसी से इफ्तारी कर ले, हो सके तो इंशाल्लाह कल दूसरा चीज और लाएंगे। ठीक है भाई साहब, आज इसी से इफ्तारी कर लेते, कल दूसरा चीज जरूर लाएंगे। ठीक है। भाई 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर मिलेगा, लाता हूँ एक मिनट। छोटे चलो आज इसी से इफ्तारी खोल लेते हैं, इंशाल्लाह कल हो सके तो कुछ ज्यादा फल वगैरह लाएंगे। वो फल कहाँ गया भाई? वो हमसे ज्यादा गरीब आए थे, भूखे थे, हमसे ज्यादा भूखे थे तो उनको मैंने फल फल दे दिया। ठीक है भाई, आज इसी से रोजा खोल लेते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करवाता है तो अल्लाह ताला रोजादार के अजर को कम किए बगैर उतना ही अजर रोजा इफ्तार करवाने वाले को अता फरमाता है।